हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे JKSSP के न्यू पैटर्न के 50 MCQs। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस जो हैं JKSSP के 2024 के अंदर जो JKSSP की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, पहले जो JKSSP का जो लेवल रहता था, खासकर JK का लेवल जो रहता था, वो सिंपल से मॉडरेट रहता था। बट आज की डेट की बात करें तो JKSSP का जो लेवल है JK का, वो मॉडरेट से लेकर टफ लेवल तक चला गया है। तो वन बाई वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप JKP कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या JKSSP के अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो JKSSP के न्यू पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, GK के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, जिसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री होगी, इंडियन ज्योग्राफी होगी, ठीक है, JNK की हिस्ट्री होगी, JNK की ज्योग्राफी होगी, ठीक है, इकॉनमी होगी, जितने भी चीज़ें हैं जो GK भी स्पेशल रेफरेंस टू JNK ड्यूटी के अंदर आती हैं 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन JKP कांस्टेबल और दूसरे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्वेश्चन तो JKSSP रिपीटेड MCQs रहते ही रहते हैं, बट इसमें आपको ये लेवल का पता चल जाएगा कि JKSSP कितने डीप से जो है क्वेश्चन आज की डेट में 2024 के अंदर पूछती है, ठीक है, पूछ रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी साल JKSSP के द्वारा जो है इसी एग्जाम को भी, इन एग्जाम को भी कंडक्ट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उनके वापस आते ही उन्होंने सबसे पहला जो फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो कहाँ पर किया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चोरी चोरा बोलते हैं, चंपारण बोलते हैं, बरदोली बोलते हैं या दांडी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर आपका रहने वाला है बी, चंपारण सत्याग्रह इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जी, कब हुआ था, 1917 को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, और इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और ये फार्मर जो अपराइजिंग हुई थी जी, कहाँ पर हुई थी, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंदर, ठीक है, उस समय किसका रूल था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। चंपारण के बाद चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में आपने सुना होगा, चोरी चोरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर हुआ था, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे हुआ था। और जिस सीन जो है जी क्या हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे इकट्ठा होते हैं और एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, ठीक है, और जो इंसिडेंट होता है 4 फरवरी 1922 को, जहाँ पर लार्ज ग्रोव जो होता है पीजेंट्स का, वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें 22 ऑफिसर्स की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 को चलाया था, जब उन्होंने चोरी चोरा का इंसिडेंट देखा, तो महात्मा गांधी जी ने विड्रॉल कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 को, ठीक है। तो 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसको विड्रॉल किया गया था 1922 को। तो ये आपको ज्यादा चीज़ें याद रखनी है, गांधी जी हमेशा से जो है हिंसा के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि कोई भी तरीके से, कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वो काम हो। तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी काफ़ी दुखी हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया, जो सलाल हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट है जी, कहाँ पे सिचुएटेड है, आसानी से आंसर बता पाओगे, पंजाब, JNK, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, आंसर आपका रहेगा JNK, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो सलाल हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है, सलाल हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, जिस चिनाब रिवर के ऊपर है, और चिनाब रिवर जिस सलाल हाइड्रोलैक्टिक प्रोजेक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर आपका बनेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था ये बनाया गया था इंडिया के द्वारा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर, और कौन सी ट्रीटी के अंदर बनाया गया था इसको, इंडस वाटर ट्रीटी डिजाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कीरू हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, JNK या आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर रहेगा आपका आंसर सी, JNK इसका राइट आंसर है। अब ये कीरू हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आपने इसको अरेंज करना स्टेट्स को इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देर कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो स्टेट्स यहाँ पे है उड़ीसा, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला हम करेंगे उड़ीसा को, सबसे फर्स्ट क्या आएगा, उड़ीसा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आएगा, सेकेंड नंबर पर आपका आएगा केरला, ठीक है, इसको आप ऐसे अरेंज करेंगे। फिर एक हो गया आपका, दो हो गया, तीसरे नंबर पर आप करेंगे जहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका उड़ीसा आएगा एक नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आपका केरला आएगा, फिर हमारा फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आ गया आपका तमिलनाडु।
उसके बाद आपका आएगा जहाँ पे आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आपका आएगा जहाँ पे आंध्र प्रदेश के बाद आएगा आपका गुजरात, थर्ड नंबर पे गुजरात। ठीक है, तो कैसे आएगा? उड़ीसा आपका बनेगा जहाँ पे वन, सीरियल नंबर वन। फिर आपका केरला आएगा जहाँ पे टू। फिर आपका तमिलनाडु आएगा जहाँ पे फाइव। जहाँ पे फिर आंध्र प्रदेश आएगा फोर। और फिर आपका आएगा लास्ट में आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात आएगा आपका थ्री। ये आपका आंसर बनेगा 1 2 5 4 3। 1 2 5 4 3, 1 2 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। आंसर आपका बनेगा ए, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव। दो आपने वोल्केनिक आइलैंड बताने हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। कावरती है, न्यू मोर है, ग्रेट अंडमान है, लिटिल निकोबार है, पंपन एंड बैरन है, नारकोंडम एंड बैरन है। तो पांच का आंसर क्या रहेगा? पांच का आंसर आपका बनेगा डी, यानी कि नारकोंडम एंड बैरन। आप देख सकते हैं दो वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी के अंदर, जिसको बोलते हैं नारकोंडम एंड बैरन। जो दोनों जो है ये कहां पे लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर सिक्स। अरेंज करना आपने फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ होल्डिंग ऑफिस। ठीक है, तो यू ललित है, डी वाई चंद्रचूड़ है, वाई बी चंद्रचूड़ है, रंजन गोगोई है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? पहले सबसे आएगा आपका जहाँ पे वाई बी चंद्रचूड़। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आएगा जहाँ पे रंजन गोगोई। तीसरे नंबर पे आपका आएगा जहाँ पे यू ललित। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा आएगा? चौथे नंबर पे आपका आएगा जहाँ पे डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा पहले नंबर थ्री, फिर आपका बनेगा फोर, फिर आपका वन बनेगा, फिर आपका टू बनेगा। थ्री फोर वन टू, थ्री फोर वन टू आंसर इसका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो करंट में अभी कौन है? अभी करंट में कौन हमारे चीफ जस्टिस है जी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल को ही चनैनी नेशनल, इसका पुराना नाम था चनैनी नेशनल टनल, इसी को अब आप जो नए नाम से जाना जाता है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अटल टनल है, कुथिरन टनल है, या बनिहाल काजीकुंड रोड टनल है। कीजिए इसका आंसर, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल। सो आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका ए रहेगा, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देख सकते हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसको बोलते हैं चनैनी नेशनल टनल, पहले इसका नाम था, इसको मैंशन किया गया लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 9.28 किलोमीटर। इट इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इवन ड्यूरिंग इज हार्श विंटर वेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट। कौन सा टोन जो है जम्मू कश्मीर का, जो एप्पल टोन के नाम से जाना जाता है? सोपोर, शोपियां, जम्मू या पहलगाम। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे आंसर ए, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा, शोपियां इसका राइट आंसर है। ठीक, शोपियां इसका राइट आंसर है। तो शोपियां को बोलते हैं एप्पल टोन ऑफ कश्मीर, और जो मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है इंगेज इन एप्पल ग्रोइंग प्रैक्टिसेस। इट आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 60% जो है पॉपुलेशन को, जो एम्प्लॉयमेंट देता है। और सेकेंड रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का रीजन आफ्टर श्रीनगर। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, शोपियां इसका राइट आंसर रहेगा, आपका आंसर बी। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, कौन सा रूलर जो है इसने बोला है कश्मीर एज अ पैराडाइज ऑफ अर्थ? जहांगीर, औरंगजेब, अशोका या शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या रहेगा? नाइन का आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ए, जहांगीर इसका राइट आंसर है, आंसर आपका ए बनेगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जेकेएसएसबी, आप देखिए जहाँ पे जो न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। ठीक है, न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, इसको किसको स्टडी करने के लिए, कौन से प्लैनेट को स्टडी करने के लिए? प्लूटो, मार्स, जुपिटर या मर्करी। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर टेन का। सो टेन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा ए, प्लूटो इसका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टू यूनियन टेरेटरीज विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बिकेम एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर द यूटी ऑफ जे एंड के। तो जम्मू कश्मीर जब एक यूनियन टेरेटरी बनती है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होता है स्पेशली स्पेसिफिकली कहाँ पे? यूटी ऑफ जे एंड के में। आर्टिकल 239, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 240, आर्टिकल 356। सो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर बी बनेगा, आर्टिकल 239A। आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो अप्लाई होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आता है आपका इंक्लूडेड आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 239 एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और आर्टिकल 239A ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, दिस आर्टिकल आल्सो अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कौन सी रिवर को मून रिवर बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
मून रिवर किस रिवर को बोला जाता है? चिनाब, झेलम, रावी या तवी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर ए, यानी कि चिनाब रिवर को, चिनाब रिवर को बोलते हैं मून रिवर। चिनाब रिवर की बात करें तो उसको बोलते हैं मून रिवर। जो चिनाब रिवर है अबाउट 960 किलोमीटर लॉन्ग, और जो नेम है चिनाब का इज थॉट टू कम फ्रॉम द वर्ड चन, इसका मीनिंग क्या है, मून एंड आब मीन्स वाटर वे। ठीक है, उसका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ए बनेगा। जेके एस एस बी की 2024 का लेवल आप देखिए एग्जाम का, किस तरीके से जेके एस एस बी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे झेलम रिवर के ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछा गया, सीधा झेलम रिवर की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपने झेलम रिवर की लेंथ बतानी है, 245 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 710 किलोमीटर या 725 किलोमीटर। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, आंसर सीधा डी, 725 किलोमीटर लेंथ है किसकी, झेलम रिवर की। अगर बात करें तो सिटी ऑफ झेलम, द रिवर टर्न साउथवर्ड अलॉन्ग द साल्ट रेंज टू खुशाब, वेर इट अगेन बेंड साउथ टू ज्वाइन द चिनाब रिवर नियर त्रिमू, त्रिमू में ज्वाइन करती है इसको चिनाब रिवर को, और इसकी लेंथ कितनी है, 725 किलोमीटर। अब जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जिसका कॉमन बॉर्डर नहीं है म्यांमार के साथ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या असम। साथ में मैंने मैप लगाया हुआ है, अगर आप जहां पे देखें म्यांमार तो उसका कॉमन बॉर्डर मिजोरम के साथ भी है, इसका कॉमन बॉर्डर नागालैंड के साथ भी है, और इसका कॉमन बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, बट असम आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर है, असम बिल्कुल आपको अंदर देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर क्या रहेगा, असम इसका राइट आंसर, आंसर आपका डी बनेगा, असम के साथ इसका बॉर्डर कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करती है म्यांमार, बाकी तीन स्टेटों के साथ करती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कौन सा जो रूलर था देव डायनेस्टी का जिसने डिफीट किया था महमूद ऑफ गजनी विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल्स चीफ्स, बजर देव, भुज देव, अवतार देव या ध्रुव देव, कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा सी, अवतार देव इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो बैटल हुई थी पेशावर की बास फोर्ट किसके बीच लड़ी गई थी, महमूद गजनी और अवतार देव के साथ, अवतार देव ने हराया था महमूद ऑफ गजनी को विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू चीफ्स। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी स्टेट है इंडिया का जिसका बॉर्डर जो है तीन कंट्रीज साथ, नेमली जैसे नेमली भूटान, नेपाल, चाइना के साथ मैच करता है या जुड़ता है। ठीक है, विच कंट्री, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विद तीन कंट्री के साथ बॉर्डर है, जहाँ पे नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या असम, कीजिए इसका आंसर। अब पीछे वापिस से मैप पे जाना पड़ेगा, आप देखिए जहाँ पे ये आपका सिक्किम है, ठीक है, जहाँ पे नेपाल वाला बॉर्डर आ गया, जहाँ पे भूटान वाला बॉर्डर आ गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, जहाँ पे मिजोरम आपका नीचे आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे आप सीधा आंसर इसको कर पाओगे, जो आपका चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, तो जहाँ पे सिक्किम है सिर्फ सिक्किम ही शेयर करता बॉर्डर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, देखते हैं जहाँ पे सिक्किम, तो आंसर आपका क्या बनेगा, सिक्किम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी ऑयल कंपनी है जो रोल आउट की गई है स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख, HPIOCL, BPCL, GAIL। ये क्वेश्चन भी जेके एस एस बी के एग्जाम में पूछा गया रिसेंट में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका बी बनेगा, IOCL। एक स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च जस्ट फॉर लद्दाख रीजन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, वी विल प्रूव टू बी अ लाइफ लाइन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज, कीपिंग इन व्यू टू प्रोस्पेक्ट दैट कमिंग विंटर विल बी वेरी टेंस फॉर देम बिकॉज ऑफ द इंडियन चाइना कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको अरेंज करना अपने प्लेसेस ऑफ कश्मीर को रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंज करना। ठीक है, नॉर्थ से अपने साउथ अरेंज करना। ठीक है, तो ये नॉर्थ वाला एरिया आ गया, ये जहाँ पे साउथ वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम गिलगित को करेंगे, गिलगित सबसे टॉप पे, दूसरे नंबर पे हम करेंगे कारगिल को, तीसरे नंबर पे हम करेंगे किसको, श्रीनगर को, चौथे नंबर पे हम करेंगे बनिहाल को। तो बनिहाल सबसे नीचे है, गिलगित जहाँ पे आपका एक, यहाँ पे गिलगित आपका दूसरे, गिलगित दूसरे नंबर पे। ठीक है, फिर आपका जहाँ पे आएगा कारगिल, पहले नंबर पे गिलगित, दूसरे नंबर पे कारगिल, उसके बाद आपका श्रीनगर चौथे नंबर पे, फिर आपका क्या आएगा बनिहाल तीसरे नंबर पे। 2143, 2143 आंसर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, सी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन सी लेक जो है, लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जे एंड के, कौन सी लेक जो है जे एंड के में लोकेटेड है, बताइए जहाँ पे आंसर, फुलर लेक, कोलेरू लेक, अंचार लेक या हमीरसर लेक, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका जहाँ पे अंचार लेक, आंसर सी बनेगा। ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपकी जे एंड के अंदर। आप जैसे अंचार लेक कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर,
फुलार लेक कहाँ पे? फुलार लेक, जबकि पगीती फुलार तल जिसको गोमो तल भी बोलते हैं, ये लेक है मधु तंडा इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। पलेरू लेक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। और आपकी हमीरसर लेक कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका सी बनेगा। 20 का आंसर कीजिए, पहले गवर्नर जे एंड के की, फर्स्ट गवर्नर, पहले गवर्नर थे कर्ण सिंह और लास्ट गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, आंसर आपका क्या बनेगा? ए। एक चीज़ आपने और याद रखी होगी, फर्स्ट एलजी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट एलजी, पहले एलजी जम्मू कश्मीर की, आपका आंसर रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे पहले एलजी थे जम्मू कश्मीर के। और करंट की बात करें तो अभी करंट में एलजी कौन है? करंट के एलजी है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा जी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? डॉक्टर करण सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट गवर्नर, तो आंसर आपका डॉक्टर करण सिंह आएगा। जो जिला पास जो है किसको कनेक्ट करता है? लेह और करगिल को करता है, लेह एंड श्रीनगर को करता है, फार कश्मीर एंड तिब्बत को करता है, नेपाल एंड तिब्बत को करता है। सो उसका आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका बी, लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है जो जिला पास। देख सकते हैं जो जो जिला पास है जो कनेक्ट करेगा लेह एंड श्रीनगर को इंडियन स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इंपॉर्टेंट लिंक करेगा बिटवीन यूनियन टेरेटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो जो पास है जो कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को किसे? द्रास के साथ, और सुरू वैली के साथ टू द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडस वैली टू द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी जेके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज बतानी है आपने 48 किलोमीटर रेलवे लाइन जो बिटवीन बनिहाल टू संगलदन पासिस थ्रू टनल, 50%, 70%, 90% या 100%? आंसर आपका यहाँ पे सी, 90% इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए, आपने कोस्ट के बारे में बताना है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शेयर करती है, उसको नदन सिरकर बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं या कोरमंडल बोलते हैं? सो आंसर आपका बनेगा यहाँ पे आंसर डी, कोरमंडल कोस्ट इसका राइट आंसर। ठीक है, जो मालाबार कोस्ट है जी रीजन है साउथ वेस्टर्न शोर लाइन ऑफ द मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो कवर करता है केरला और कुछ पार्ट्स कर्नाटका के। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनिहाल काजीगुंड जो सेक्शन है रेलवे प्रोजेक्ट की, इसको कब इनॉग्रेटेड किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जून 2012 को, जून 2013 को, जुलाई 2013 को या जुलाई 2014 को? सो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे बी बनेगा, जून 2013 को। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट जो था इसको लॉन्च किया गया था, फर्स्ट जो उसका फेज लॉन्च किया गया था 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला सेक्शन, इसको इनोग्रेशन किया गया था इसका 2009 के अंदर। फिर जो सब्सिक्वेंट फेज जो था 18 किलोमीटर का लॉन्ग बनिहाल काजीगुंड सेक्शन, इसको ओपन किया गया था जून 2013 को। और 25 किलोमीटर जो लॉन्ग उदयपुर कटरा सेक्शन है, इसको इनोग्रेटेड किया गया था 2014 को। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 2013, ये आपका आंसर बनेगा जून। कसीदा एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो कि फेमस है, इसमें से कौन से इंडियन स्टेट या यूटी के अंदर? पंजाब, वेस्ट बंगाल, जे एंड के या राजस्थान? सो आंसर आपका यहाँ पे सी बनेगा, राजस्थान इसका, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर। ठीक है, जो फेमस कसीदा एम्ब्रॉयडरी है जी कम्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा जो है फोक डांस नहीं है जो कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करता है? बताइए, दुमल, हफीजा, रोफ या डंगी? डांगी, ठीक है, दुमल भी करता है, हफीजा भी करता है, रोफ भी करता है, जी नहीं करता। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आप देखते दांगी इज नॉट ए फोक डांस जो कि जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग नहीं करता है। 27 का आंसर कीजिए, इसमें कौन सा रीजन है जे एंड के का जो कि जाना जाता है नॉन फॉर इज सैरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के नाम से? जम्मू, लद्दाख, कश्मीर एंड लेह, कीजिए 27 का आंसर कीजिए। सो 27 का आंसर रहेगा आपका आंसर सी, कश्मीर इसका राइट आंसर है, आंसर आपका सी बनेगा। आपने प्री डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी जम्मू कश्मीर की, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। बहुत सारे बच्चों ने हैंडीक्राफ्ट या मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, टूरिज्म किया होगा, बट प्री डोमिनेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है जम्मू कश्मीर की वो रही है एग्रीकल्चर, आंसर आपका सी बनेगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, नेशनल हाईवे बताना जो कि पास करता है जम्मू एंड कश्मीर को, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक हाईवे जोड़ता है जिसको बोलते हैं हम NH-44, इसको आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे, इसका आंसर सी बनेगा। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा श्रीनगर इन जे एंड के टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। इसकी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और ये कवर करता है 11 स्टेट्स को। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, कौन सी जो लेक है जो कि लोकेटेड है डोडा डिस्ट्रिक्ट में और जानी जाती है रिलीजियस सिग्निफिकेंस और सराउंडेड बाई पाइन फॉरेस्ट, कीजिए इसका आंसर। डल लेक, पेंगोंग लेक, मानसर लेक या सो मरोरी लेक? अगर आप इसको आसानी से करो तो डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं श्रीनगर के अंदर है।
अगर हम बात करें पेंगोंग लेक और सोमरोई लेक, ये लद्दाख यूटी के अंदर है, और लास्ट में कौन सी बनी, मानसर लेक। मानसर लेक इसका राइट आंसर, आंसर सही बनेगा। डल लेक कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर। पेंगोंग लेक कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। सोमरोई लेक कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सी। कौन से रूलर थे जे एंड के जिन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846, सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, बहादुर शाह सेकंड, राजा गुलाब सिंह, राजा हरि सिंह। मैंने आपको एक हायर की पढ़ाई थी, जी आर पी एच, जी आर पी एच। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया डोगरा डायनेस्टी के ऊपर रूलर के बारे में, तो जी से बनेगा आपका गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, आर से महाराजा रणबीर सिंह, पी से महाराजा प्रताप सिंह, और एच से महाराजा हरि सिंह। पहले रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के गुलाब सिंह, और लास्ट रूलर थे महाराजा हरि सिंह। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ए बनेगा, महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए, साइंटिफिक नेम बताना आपने सैफरन प्लांट का, जो कि कल्टीवेटेड किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्रोकस सटिवस, रोसा दमोसिना, एलेवेंडुला, या जस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरो, ठीक है। इसको इसका 32 का आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ए बनेगा, क्रोकस सटिवस। कोई अगर प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो तो उसके लिए सॉरी, तो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है सैफरन का, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब ये सबसे नया क्वेश्चन पूछा गया जी कैसे एग्जाम में, जम्मू कश्मीर जो है कौन से पोस्टल जोन कोड के अंदर फॉल करता है। जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल कोड, जोनल कोड इन इंडिया, जोनल फर्स्ट, जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका सीधा ए बनेगा, जोन फर्स्ट के अंदर। 34 का आंसर कीजिए, स्टेट के बारे में बताना है जिसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। छोटे बच्चे को भी पता होगा सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो स्टेट किसी स्टेट की है वो गुजरात की। आंसर आपका ए, ए इसका राइट आंसर। अब जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस जो है इंडिया का, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं जी, कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आप इसको ऐसे करें, अगर आप इसको ऐसे करें तो अगर आपको मेनलैंड का क्वेश्चन पूछा गया सदर्न मोस्ट साइट बताइए तो कन्याकुमारी। अगर आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया तो गुहार मोती। अगर आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया कबीतू। अगर आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया तो आपका बनेगा इंदिरा कॉल। क्या बनेगा, इंदिरा कॉल। गुहार मोती कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। कबीतू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। अगर आपको सीधा मेनलैंड का पूछा गया तो आपका कन्याकुमारी आएगा, पर अगर आपको सीधा ऐसे पूछा गया इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताइए तो फिर आपका इंदिरा पॉइंट आएगा। क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार के, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है इंदिरा कॉल के ऊपर पूछा गया है, और इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। आंसर आपका बी। 36 का आंसर बताइए, जो सुबारदार मेला जो है ये कौन से लोकेशन में जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर, जा जम्मू। तो जी कहाँ पे होता है, डोडा के अंदर। आंसर आपका ये बनेगा। 37 का आंसर बताइए, इसमें से कौन सी माउंटेन पीक जो है इंडिया के अंदर नहीं है। हिमालय इज नॉट इन इंडिया। कंचनजंगा इंडिया के अंदर है, केमेथ इंडिया के अंदर है, नंदा देवी इंडिया के अंदर है, अन्नपूर्णा इंडिया के अंदर नहीं है। जी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर। यहाँ पे है, नेपाल के अंदर। जी क्वेश्चन देख लीजिए जिस तरीके से JKSSB एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है, जिसको देखना आपका बनता है किस तरीके से लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। आंसर आपका क्या बनेगा, ए। 38 का आंसर कीजिए, कौन सा ग्लेशियर जो लाई करता है कारगोरम रेंज, रेंज लिखा हुआ, ठीक है। सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जंस्कार ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। आंसर आपका सीधा ए, सियाचिन ग्लेशियर। 39 का आंसर कीजिए, अगर आप बात करें जे एंड के रेगुलेशन एक्ट 2019 की, जो नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन से कितनी सीटें फिल की जाएगी, 114, 107, 89, 87। सीधा आंसर आपका बी, 107 सीटें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन से साल जो है इंडिया का आई टी एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया, 2000, 2001, 2002 या 2003। तो जी आंसर आया आपका, आंसर बनेगा ए, 2000 के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, आईटी एक्ट जिसको बोलते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ऑन अक्टूबर 17, 2000 को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूटी ऑफ J&K जो है कब एग्जिस्टेंस में आई, 31 अगस्त 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को, या 31 जुलाई 2019 को। 5 अगस्त, 6 अगस्त,
9 अगस्त, 5 अगस्त को जो बिल जो था ये पास किया गया राज्यसभा में, किसने पेश किया था? अमित शाह ने, राज्यसभा से पास हुआ, फिर कहाँ पे चला गया? 6 अगस्त को लोकसभा में, और 9 अगस्त को इस बिल को प्रेसिडेंट की सहमति मिली, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूटी बनी। 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, आंसर आपका बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का आपने देखना है, इसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मेंटेन करके रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इसको, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बीना कन्वेंशन या वेसल कन्वेंशन। आप देख सकते सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लगाएंगे वो लगेगा आपका यहाँ पे बीना कन्वेंशन, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर हम लिखेंगे ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, थर्ड नंबर पे आपका आएगा बेसल कन्वेंशन, और लास्ट में हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, वीन कन्वेंशन 3, उसके बाद यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे बेसल कन्वेंशन 4, और उसके बाद आएगा आपका 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर, आंसर आपका सी बनेगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था जी आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा जी आप देख सकते हैं, सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले चीज वीना कन्वेंशन 1969 को, उसके बाद, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद ये डेट शो करते 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, वेसल कन्वेंशन 1992 को, लास्ट में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है आपके लिए, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। 44 का आंसर बताइए, जो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत सारे बच्चों ने लद्दाख लगा दिया हुआ, बहुत सारे बच्चों ने उत्तराखंड लगा दिया हुआ, मगर जिन बच्चों ने हिमाचल प्रदेश लगाया हुआ उसका राइट आंसर है, आंसर आपका बी इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 45, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस बताना है इंडिया का आपने, कौन सा, रियासी, द्रास, अनंतनाग या गुलमार्ग, सबसे ठंडा प्लेस, सबसे ठंडा है द्रास, आंसर आपका बी। अब आपने एक चीज याद की होगी, कोल्डेस्ट जो इनहेबिटेड प्लेस है इंडिया का वो है द्रास, बट द्रास की अगर बात करें तो ये सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। अब आपके लिए ये क्वेश्चन होगा, सर हमें बताइए कि पहला कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, यस वो बताना बनेगा। ये बात करें ओइमा कोन, एक रिमोट विलेज है रशिया का, इसको बोलते हैं कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे पहले कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो कौन सा है, रशिया के अंदर, और दूसरा नंबर इंडिया के ऊपर। अगर बात करें तो रशिया का कौन सा, ओइमा कोन, ये एक प्लेस है, रिमोट विलेज है रशिया का, और इंडिया की बात करें तो लद्दाख यूटी के अंदर कौन सा है, द्रास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 46 का आंसर बताइए, एचपीजी और एचबीजे एक पाइपलाइन है जो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, नेचुरल गैस करती है, पेट्रोलियम करती है, या आयरन ओर इन स्लरी फॉर्म, आंसर आपका सीधा बी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इसका राइट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 47, इसमें से बताना है कौन सी जो है प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, उर्दू है, हाँ तो उर्दू है सर, उर्दू बिल्कुल है, गोजरी है, बहुत सारे लोग गोजरी बोलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कोशर बिल्कुल बोलते हैं, मोनपा, मोनपा तो नहीं है, आंसर आपका क्या बनेगा, डी, आंसर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें से कौन सा प्लेस जो है हेडक्वार्टर है किसका, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर या गोरखपुर, आंसर सीधा आपका डी, गोरखपुर, गोरखपुर है कहाँ पे, यूपी के अंदर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें से डीपेस्ट लेक कौन सी है जम्मू कश्मीर की, बोर्डर लेक, नागिन लेक, मानसर लेक या मानसबल लेक, आंसर सीधा आपका क्या बनेगा, डी, मानसबल लेक जो है डीपेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की। बोर्डर लेक कहाँ पे है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की। नागिन लेक कहाँ पे है, श्रीनगर के अंदर, कुछ आपके लिए होमवर्क देंगे, मानसर लेक बताइए, आंसर कर दीजिए कमेंट में, मानसर लेक कहाँ पे, कमेंट कमेंट में आंसर कीजिए, आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बताना, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मानसबल लेक कहाँ पे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा मैं अब जो है टाइट हो चुका हूँ, थक गया हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद वीडियो को करेंगे हम बंद। इसमें से कौन से आप फिजिकल डिवीजन बतानी है, इसमें से कौन सा जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास, हिमालयाज, नदन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटोस, इंडियन डेजर्ट, 50 का आंसर बताइए, 50 का आंसर क्या रहेगा, सीधा आंसर आपका सी, पेनिनसुलर प्लेटो।
तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, जेके एसएसपी के 2024 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेके भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जेके एसएसपी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जीके का लेवल देख सकते हैं आप। जिस तरीके से जेके एसएसपी लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन एग्जाम में पूछती आ रही है, जीके का आप लेवल देख लीजिएगा। और जेके भी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से डीप से तैयारी कीजिएगा, ताकि आपको पता चले जेके एसएसपी का जो लेवल है वो मॉडरेट से लेकर आप टफ लेवल हो चुका है। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं बताए हैं, और आने वाले वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जेके एसएसपी जो है स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे केएस के एग्जाम में पूछते हैं ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम में पूछते हैं ना, इस तरीके से जेके एसएसपी अपना पैटर्न बना रही है और स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन को पूछ रही है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स आपको, जो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर देते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।